हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। आज हफ्ते का पहला दिन और निफ्टी इंडेक्स हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुआ। काफ़ी चौपी मार्केट था आज, ऐसा कह सकते हैं। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट था मंडे के लिए, जो हमने लेवल्स मार्क किए थे, ब्रेकआउट लेवल और ब्रेकडाउन लेवल। पिछला वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे ही ओपन हुआ, थोड़ी देर में ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट अचीव हुआ, एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक हुआ। तो ऊपर जाते वक्त ब्रेकडाउन लेवल ने काफ़ी हर्डल का काम किया, लगातार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और जैसे ही इसको ब्रेक किया ऊपर की तरफ आके ये क्लोज हुआ। जहाँ पर ओपन का लेवल था उसी के पास आके ये क्लोज हुआ। तो काफ़ी इनडिसिजिव पैटर्न आज निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला। बैंक निफ्टी में भी देखे तो सुबह का जो ये 5 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का, ये सुबह का जो 5 मिनट का कैंडल था, इसका हाई और इसका लो, इसी के रेंज में पूरा दिन ये ट्रेड हो रहा था। तो बैंक निफ्टी काफ़ी चौपी था कंपेयर टू निफ्टी, काफ़ी स्लगिश वे में पूरे दिन ट्रेड हो रहा था। तो यहाँ पर फिर से एक बार निफ्टी इंडेक्स साइडवेज पैटर्न में, दोनों भी इंडेक्स साइडवेज पैटर्न में ट्रेड करते हुए दिखे। अभी कल है ट्यूसडे, कल क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं वो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले डेली चार्ट को देख लेते हैं निफ्टी के। अभी निफ्टी देखे तो ये 50 DMA और 20 DMA ये डेली चार्ट है, इसके बीच में ये ट्रैप हो चुका है लास्ट 5 दिनों से, 6 दिनों से। इस दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रेड हो रहा है, ना ऊपर क्लोज हो पा रहा है ना नीचे क्लोज हो पा रहा है। इसके लिए मार्केट भी देखे तो काफ़ी साइडवेज पैटर्न में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अभी आज इसने 20 DMA का एग्जैक्ट लो के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया है, और जहाँ पर ओपन हुआ था उसी के पास आके क्लोज हुआ है। अगर 16,400 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम यहाँ से फिर से एक बार शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और ऊपर में ये अगर 16,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 16,900 का होगा, जहाँ पर ये 100 DMA का लाइन उसके आसपास आ रहा है। तो ये डेली चार्ट का सिनारियो है, फिलहाल चौपी मार्केट देखने को मिल रहा है। अभी चलते हैं 60 मिनट के चार्ट के ऊपर, कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं। कल हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा आज के दिन के हाई के जस्ट अबाउट, यानी 16,618, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। इसके ऊपर फर्स्ट टारगेट होगा 16,644 और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 16,668, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज का जो लोएस्ट क्लोज बन रहा है, लोएस्ट क्लोजिंग लेवल आर्ली चार्ट में, जो कि अराउंड 16,511 के पास है, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। इसके नीचे फर्स्ट टारगेट होगा 16,495 और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 16,478, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल्स है। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का ये आर्ली चार्ट है। अभी जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था ये कल के लिए भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा, 35,405, क्योंकि आज कंटिन्यू 4 घंटे आप देख सकते हो ये आर्ली चार्ट में कंटिन्यू यहाँ पर हर्डल फेस कर रहा था। तो यही लेवल हमारा कल का ब्रेकआउट लेवल होगा। इसके ऊपर फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 35,462, एक छोटा सा क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 35,530, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज का जहाँ पर ये 100 DMA का लाइन आ रहा है, 100 DMA का लाइन आ रहा है उसके जस्ट नीचे, क्योंकि ये सपोर्ट का काम कर सकता है, हो सकता है यहाँ से फिर बाउंस बैक हो। जैसे ये रेड कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी लंबा टेल छोड़ दिया और ऊपर की तरफ आके ये क्लोज हुआ। तो ये जो लेवल बन रहा है 35,157, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। इसके नीचे फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 35,093, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 34,994, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल से कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।